Hello friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलरफुल पूरी की रेसिपी। बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और खाने में हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी। विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन से हैं भरपूर। तो एक बार सर्दियों में इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। बहुत ही सिंपल इसको बनाना है और देख तो आप सकते ही हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो पूरी रेसिपी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए। उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हमारा आज के वीडियो। कलरफुल पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं किया है, उसके बाद भी ये है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने यूज किए हैं 2 गाजर, 1 मूली, साथ ही में 2 प्याज, पालक लिया है, अगर आप चाहें तो मेथी भी ले सकते हैं, साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है धनिया। इन सबको मैं पहले ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूंगी। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं, बट आप कद्दूकस का यूज करके इस तरीके से इसको बारीक बारीक ग्रेट कर लीजिए। आप देख सकते हैं मूली को मैंने यहाँ पर अच्छे से पील करके, वॉश करके कद्दूकस कर लिया है। साथ ही में पालक भी मैंने धोकर रखा हुआ था, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ प्याज। प्याज को भी आपको बारीक बारीक चॉप करना है, साथ ही में 2 हरी मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। धनिया भी मैं साथ में इसके चॉप कर लूंगी। तो यहाँ पर प्याज और मिर्ची भी अच्छे से चॉप हो चुकी हैं, साथ ही में गाजर को भी मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी ही ये देखने में कितनी कलरफुल लग रही हैं, तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगी। तो बस इस तरीके से जब सारी की सारी सब्जी हमने ग्रेट कर ली है, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट डालने से ये सब्जियाँ थोड़ा सा पानी रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से आटा लगाने में अच्छा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ऐड की है थोड़ी सी हींग, साथ ही में अजवाइन ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें, पूरियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर सकते हैं और लास्ट में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला और लाल मिर्च। बस इसके बाद इन सब चीज़ों को आप कर लीजिए अच्छे से मिक्स और 1 हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 2 कप आटा। आटे को आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसमें ऐड करना है बिल्कुल 1/2 टीस्पून सोडा। सोडा ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी ये पूरियाँ फूली फूली बनेंगी। बस इसके बाद आपको इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी यूज करेंगे, बट पानी से इस आटे को नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं जब मैं इस तरीके से इसको मैश कर रही हूँ तो सब्जी अपना पानी रिलीज कर रही है। बहुत ही थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर यूज किया है, लगभग 1 स्पून, और उसके बाद इस तरीके से आटे को लगा लिया है। आप देख सकते हैं आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब 10 मिनट के लिए मैं इस आटे को ऐसे ही छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटा कुछ इस तरीके से हो गया है। एक बार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस आटे को अब हम रख देंगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। अगर आपको आटा ज्यादा गीला लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा और मिक्स करें। उसके बाद आप देख सकते हैं आटे की कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, ना तो ज्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी इसके पेड़े बना लूंगी और उसके बाद हमें पूरियों को रोल करना है। पूरी रोल करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको ऑयल का यूज नहीं करना है, सूखे आटे से ही आपको इस पूरी को बेलना है। हल्का सा हाथ को ग्रीस कर लीजिए ऑयल से और इन पेड़ को बना लीजिए। छोटा या बड़ा साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब ये सारे पेड़े रोल हो चुके हैं उसके बाद मैं यहाँ पर रोल कर रही हूँ पूरी। सूखे आटे का हल्का सा यूज कीजिए और इस तरीके से पूरी को रोल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 4 पूरी रोल कर ली है। चाहे तो सारी की सारी पूरी पहले रोल करके रख सकते हैं या फिर आप साइड बाय साइड पूरी रोल करके और इसको फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छे से गर्म है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पूरी। और पूरी को आप जरूर ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैं इसको फुला रही हूँ। हल्का हल्का सा आपको इसे प्रेस करना है
और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी एक कलरफुल सी पूरी जो कि बहुत ही ज्यादा आयरन से कैल्शियम से भरपूर है, बिल्कुल फुली फुली बनती हैं और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती हैं। आप इन पूरी को बच्चों को भी खिला सकते हैं, इसके हेल्प से आप बच्चों को सारी सब्जियां खिला सकते हैं क्योंकि ये पूरी देखने में ही बहुत अच्छी लगती हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगती हैं। तो एक बार सर्दियों में इन रंग बिरंगी पूरियों की रेसिपी ट्राई जरूर करें, खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। पूरी अच्छे से पके इसके लिए आपको पूरी लो टू मीडियम हीट पर ही फ्राई करनी है। इसको फुलाने का तरीका जरूर आप ध्यान से देखें ताकि आपकी पूरियां हमेशा फूली फूली बने। कभी भी इस पूरी को बनाने के लिए ऑयल का यूज ना करें, मींस आपको हल्का सा सूखा आटा लगाकर ही इस पूरी को रोल करना है, अदरवाइज ये पूरी फूली हुई नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि पूरियां मेरी एकदम फूली फूली बिल्कुल रेडी हैं। हमारी पूरी है बिल्कुल रेडी, गर्मा गर्म इन पूरी को आप सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसको आलू की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ। आपको मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से एकदम कलरफुल लग रही हैं और फूली फूली होने की वजह से बहुत ही सुंदर भी लग रही हैं। आप इसे सर्व कीजिए मीठी चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ। हरी चटनी की और मीठी चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक और इनोवेटिव रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।